कैथल में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया है। कैथल तहसीलदार सुदेश मेहरा ने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की पुष्टि की है। कैथल के सिरटा रोड से यह पहला पॉजिटिव कोरोना केस मिला है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, इलाके को सीलिंग करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल प्रभारी आईजी हरदीप सिंह दून ने बताया कि तबलीगी जमात से कैथल में 4 व्यक्ति 30 मार्च को आए थे। प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए 31 मार्च को इन सभी को सरकारी अस्पताल में बने विशेष वार्ड में भर्ती करवाया गया और सभी के सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 1 व्यक्ति की पॉजिटिव आई है। एक ही बात कहूंगा, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 5 तारीख को 9:09 तक के तमाम अपने घरों की लाइट ऑफ करेंगे, वहां पे दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बैटरी जलाएंगे, मोबाइल जलाएंगे। लेकिन मैं कैथल वासियों को एक चीज और भी कहता हूं कि अपने घरों में सिर्फ लाइट ऑफ करनी है, आपका जनरेटर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका गीजर चल रहा है, और भी जो चीज वो बंद नहीं करनी है। ये ना हो कि भाई कोई लिफ्ट में रुके रह जाए। मेरा ये है कि घर की सिर्फ बत्ती ऑफ करनी है और कुछ नहीं है। आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, वो सब चलते रहेंगे। सर ये जो पॉजिटिव आया है इसका इलाज कैथल में चल रहा है, इसकी उम्र कितनी है सर? इसकी उम्र जो है 62 साल है। जो ये एक आदमी हमारा जो पॉजिटिव आया है, इसकी उम्र 62 साल है और इसका इलाज जो हमारे कैथल सिविल हॉस्पिटल के जो जो सीएमओ और जो योग्य डॉक्टरों की टीम है वो कर रही है, और जब भी हमें कोई भी डॉक्टर्स की जो राय होगी और होगी हम उसके अनुसार काम करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।